हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड आल्सो वी डिस्कस्ड ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जीरो वेक्टर व्हिच इज रिटन ऑन द बोर्ड। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज जीरो वेक्टर फर्स्टली वी विल डिस्कस एंड देन वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। तो किस वेक्टर को आप जीरो वेक्टर बोलते हो, तो लिख लेते हैं। कहते कि a vector which has zero magnitude, ऐसा वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, जीरो तो मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, एंड हैव एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो इट मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, मतलब कोई भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, आर्बिट्रेरी मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसको आप आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बोलते हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा वैक्टर हो जिसका जीरो तो लेंथ हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो तो जीरो लेंथ है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, क्या उसको रिप्रेजेंट करना हमारे लिए ईजी है? इट्स नॉट ईजी फॉर अस। तो ए जीरो वेक्टर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर, यानी कि ऐसे जीरो के ऊपर है ना वेक्टर डाल दीजिए तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है, इसको ये रिप्रेजेंटेशन है। इट इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। जीरो वेक्टर का सेकंड नाम क्या बेटा, नल वेक्टर। तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, आल्सो वी कैन से नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं भाई, नल वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जीरो मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कोई उसकी जीरो लेंथ है, तो जीरो लेंथ है और ऑर्बिटल डायरेक्शन है, तो इट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, इसको हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल डायरेक्शन है तो कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकती, कोई भी हो सकती है। हैंस जीरो वेक्टर हैज एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर की एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होते हैं बेटा, वो मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे मैं कहता हूँ व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्टेंट इज ए वेक्टर, क्या आएगा, जीरो वेक्टर। मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो न्यू वेक्टर वेक्टर आएगा ना वो क्या बन जाएगा भाई, जीरो वेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर, ओके, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर बेटा ए और इसके अंदर इसी वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर दूं, तो फिर भी क्या बनेगा मेरा, जीरो वेक्टर। तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन, एक प्रकार से इलस्ट्रेट कर दिया हमने जीरो वेक्टर को कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर तो जीरो वेक्टर आ गया, ए वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया वो भी क्या बन जाता है बेटा, जीरो वेक्टर बन जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल्स हैं क्या हमारे पास, या कुछ एग्जांपल देखिए। फर्स्ट वेक्टर है भाई, मान लीजिए फर्स्ट वन बात करते हैं, जो वेलोसिटी वेक्टर है, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल, कोई स्टेशनरी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज ए जीरो वेक्टर। तो अगर स्टेशनरी पार्टिकल है उसका अगर हम वेलोसिटी वेक्टर लिखें तो वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, क्योंकि दैट इज स्टेशनरी। सिमिलरली अगर बात करें एक्सेलरेशन वेक्टर लिखें किसी ऑब्जेक्ट का मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज आल्सो जीरो वेक्टर, ओके। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई, जीरो वेक्टर तो ही आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा उसका, जीरो, तो दैट इज़ जीरो वेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ उसके एग्जांपल्स थे। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए जीरो वेक्टर, कि किसी वेक्टर जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर वन मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ जीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर डज नॉट चेंज द गिवन वेक्टर। कहते हैं कि चाहे हम किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करें या उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा रिजल्ट में चेंज नहीं होगा या गिवन वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए एक वेक्टर है गिवन वेक्टर ए वेक्टर, उसके अंदर अगर आप जीरो वेक्टर को ऐड करते हो तो अपना वही वेक्टर आ जाता है जिसमें हमने ऐड किया। सिमिलरली ए वेक्टर में से अगर हम जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाता है, ए वेक्टर। इट मीन्स क्या हुआ ये,
कि ऐड करें या सबट्रैक्ट करें फ्रॉम ए गिवन वेक्टर, इट डज नॉट चेंज द गिवन वेक्टर, तो गिवन वेक्टर को ये चेंज नहीं करेगा, इस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर एन विद ए जीरो वैक्टर इज अगेन जीरो वैक्टर। कहते हैं कि कोई मान लीजिए रियल नंबर है एन, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर विद ए जीरो वैक्टर, मान लीजिए जीरो वैक्टर से आप मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, सभी को पता है जीरो वैक्टर ही आएगा, ये सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, कहते हैं कि मान लीजिए दो नंबर है एन वन एन टू आर टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर और एन वन नॉट इक्वल टू एन टू, ये नॉन जीरो रियल नंबर है भाई, तो क्या होगा अगर ये रिलेशन की बात करें, एन वन ए वैक्टर इज इक्वल टू एन टू बी वैक्टर, ठीक है ये रिलेशन की बात करें, तो ये तभी होल्ड करेगा इफ बोथ ए एंड बी वैक्टर आर जीरो वैक्टर, ओके, ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा अगर ए वैक्टर और बी वैक्टर क्या है, जीरो वैक्टर्स है और एन वन नॉट इक्वल टू एन टू, ठीक है, तो ए जीरो वैक्टर हैज़ ए लोट ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इट इज़ यूजफुल इन डिस्क्रिप्शन द फिजिकल सिचुएशन इन्वॉल्व वैक्टर क्वान्टिटी स्टूडेंट्स। तो ये था आपका आज जीरो वैक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा किसी वैक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं, नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर, दो वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं या किसी गिवन वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया जाएगा, उसका मतलब क्या है वो लिख लीजिए। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे रिजोल्व करोगे, तो बेटा होता क्या है रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर, कौन सा प्रोसेस है बेटा ये, इट इज प्रोसेस ऑफ, इट इज़ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, इट इज़ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग मतलब स्प्लिट को तोड़ना, ए सिंगल वैक्टर, ए सिंगल वैक्टर, इट इज़ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वैक्टर इंटो टू और, इंटो टू और मोर वैक्टर्स, इंटो टू और मोर वैक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच टुगेदर, विच टुगेदर प्रोड्यूस, विच टुगेदर प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, विच टुगेदर प्रोड्यूस सेम इफेक्ट as is produced by, as is produced by, as is produced by single vector alone, single vector alone, that is called resolution of a vector। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात बोली है बेटा, सुने रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर को ये सप्लिट करेगा, तोड़ेगा, किसके अंदर, टू और मोर वेक्टर के अंदर इन डिफरेंट डायरेक्शन, विच टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल वेक्टर, यानी कि जो एक सिंगल वेक्टर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है वही उसके कंपोनेंट में प्रोड्यूस करेंगे, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, बट उस सिंगल वेक्टर को हम मोर देन टू या टू वेक्टर्स में सप्लिट कर सकते हैं। देखो ये है ना रिवर्स हो गया, किसका रिवर्स हो गया भाई, ये कंपोजिशन वेक्टर का, कंपोजिशन वेक्टर में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, टू और मोर देन टू वेक्टर्स को एक सिंगल वेक्टर के अंदर लेके आते हैं, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, तो अगर हम मोर देन टू और या टू वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करें तो उसको वो बोलते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिशन मतलब ऐड करना, कंपोजिशन मतलब इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कंपोजिशन का मतलब है कि बहुत सारे वेक्टर्स को लगा के एक वेक्टर में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन वेक्टर, और बहुत सारे वेक्टर्स को या टू या मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल, सॉरी जब एक सिंगल वेक्टर को मोर देन वेक्टर्स में, टू और मोर देन वेक्टर्स में जब डिवाइड किया जाता है, सप्लिट किया जाता है, उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, आप याद करो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, याद करो एक बार ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या किया था, देखो सिंपल है, दोनों को मैं यहीं से क्लियर करा देता हूँ। मान लीजिए एक ये साइड है ओ, ये है पॉइंट पी, ये ए वेक्टर आपका, ये आपका क्या भाई क्या पॉइंट है, ये आपका है बी वेक्टर, तो ये है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इसका जो अपोजिट साइड है ये वाली, तो ये इसका है रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है।
तो देखो सिंपल सिंपल सी बात करते हैं, अब बात करते हैं पहले रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर मैं आर वैक्टर को किस में डिवाइड कर दूँ, मैं टू कंपोनेंट में डिवाइड कर दूँ, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। ए और बी अलग अलग है ना, ठीक है ना। तो ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ आर, अगर आर वैक्टर की बात करें तो आर किसका कम्बिनेशन है, ए और बी का है। तो आर को किस में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, वैक्टर ए में और वैक्टर बी में। तो इसे बोलते हैं बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर। आर वैक्टर को टू और मोर देन टू कंपोनेंट में अगर डिवाइड कर दे तो रिजोल्यूशन हो जाता है। अगर इन्हीं को ऐड कर दूँ, ए और बी को ऐड कर दूँ, तो क्या बनेगा रिजल्टेंट, उसको क्या बोल देते हैं बेटा, कंपोजिशन ऑफ द वैक्टर बोल देते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि कैसे वैक्टर को रिजोल्यूशन किया जाता है। अब बेटा नेक्स्ट में अगर बात करें तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर की, या कोई गिवन वैक्टर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको बनाने हैं तो उसके मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर इन ए प्लेन। तो इसका मीनिंग क्या है भाई, तो कहते हैं कि वैन ए वैक्टर इज सेपरेटेड इंटू टू कंपोनेंट वैक्टर्स एट राइट एंगल टू इच अदर। क्या बोल रहा है बेटा ये, वैन ए वैक्टर इज सेपरेटेड इंटो टू कंपोनेंट्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर देन कंपोनेंट वैक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कहने का मतलब क्या, अगर आप मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है भाई, अगर उस वेक्टर को आप स्प्लिट कर देते हो टू कंपोनेंट्स में और वो कंपोनेंट्स के आपस में राइट एंगल है एक दूसरे के, तो हम उसे बोलेंगे भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कैसे, जैसे मैं आपको वैसे एग्जांपल दे देता हूँ फिर इसको बताएंगे आपको क्लियर करके। मान लीजिए ये आपका कोई वैक्टर है ए वैक्टर, ओके। अगर आप इस कंपोनेंट के दो पार्ट में डिवाइड कर दो, मान लीजिए इधर आपका एक वैक्टर ए एक्स और इसका सेकंड पार्ट है ए वाई, तो यहाँ पे ए एक्स और जो ए वाई है ना, दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे के राइट एंगल पे है ना। तो इसका मतलब जो ए वेक्टर है वो क्या है भाई, ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। तो इसका मतलब ए एक्स और ए वाई क्या उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ए एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस है और ए वाई अलोंग द वाई एक्सिस है। तो ए वैक्टर के जो दो पार्ट है ए एक्स और ए वाई, वो दोनों आपस में कितने एंगल पे है भाई, 90 डिग्री पे। तो ए एक्स एंड ए वाई क्या है भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है किसके भाई, गिवन वेक्टर ए के, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, कीप इन माइंड। अब हम इसका ना अगर डेरिवेशन करना चाहते तो इसका हम डेरिवेशन बिल्कुल इजी कर सकते हैं। देखो इसका डेरिवेशन कराता हूँ मैं आपको। मान के चलते हैं कि ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, और मान लेते हैं ये आपका कोई गिवन वेक्टर है ए, ठीक है बेटा। और ये मान लीजिए इस एक्स एक्सिस का कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, ओके। तो मान लीजिए हम क्या करें, इस वेक्टर पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें एक, और इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक है, एक्सिस पे। तो दिस पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट लेट से क्या हो, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया आपने। तो ये वेक्टर है अगर ए है, तो अगर इस वेक्टर ए को टू कंपोनेंट में डिवाइड करें तो इस तरफ मैं कहता हूँ मान लीजिए इसका ए एक्स कंपोनेंट है और इस तरफ क्या भाई आपका वाई कंपोनेंट है, ठीक है बेटा, ए एक्स एंड ए वाई। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा होता है भाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है आई, और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था जे। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी बेटा कि ए वेक्टर अगर देखा जाए, देखो ये ए एक्स है ये ए वाई है, तो इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा ए वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन करूँ लगाऊँ तो ये दो एडजेसेंट साइड हो जाएंगे ट्रायंगल की, ये इसकी क्लोजिंग साइड हो जाएगी। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, ये हो गया आपका ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ए एक्स प्लस ए वाई, ओके। अब एक बात बताओ, जो डायरेक्शन आपकी आई वेक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी है, ए एक्स वैक्टर की। जो डायरेक्शन आपके जे वेक्टर की है वही आपकी ए वाई वैक्टर की। तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो भाई ए एक्स वैक्टर को ऐसे लिख सकते हो बेटा ए एक्स आई कैप,
ए वाई वैक्टर को क्या लिख सकते हो आप, ए वाई वैक्टर को लिख सकते हो भाई ए वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम अगर इसको मॉडिफाई इक्वेशन को, तो ए वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ए वाई जे जे कैप, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए एक्स और ए वाई का ना मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब देखा जाए ये ट्रायंगल बनेगी ना आपकी सिंपल, ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये पॉइंट आपका आर है, ये पॉइंट आपका पी है, तो ये एंगल कितना है, पी ओ आर एंगल कितना बेटा, थीटा है ना, एंगल पी ओ आर कितना एंगल है बेटा, दैट इज थीटा। तो इस ट्रायंगल की अगर बात करें, एंगल पी ओ, अगर हम बात करें ए एक्स कितना है, ए एक्स, अरे यहाँ से लेके ओ पी वैक्टर कितना है, ए एक्स वैक्टर, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ ए एक्स है, तो ए एक्स इज इक्वल टू ओ पी, तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ओ पी, ए वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, तो यहाँ पे देखा जाए ओ वाई, यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल बात करते हैं बेटा, ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स कितना बेटा, देखो सिंपल बात करते हैं, जो वैक्टर ए एक्स है वो ओ पी वैक्टर है, बट अगर हम मैग्नेट उसकी लेंथ की बात करें तो ओ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज ए एक्स, ओ क्या ओ क्या कितना हो जाएगा बेटा, ए वाई, क्या हो जाएगा, ओ क्या कितना हो जाएगा बेटा, ए वाई, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू ओ पी और ओ क्या कितना हो जाएगा, ए वाई, ठीक है। तो ये आपने मैग्नीट्यूड के टर्म में बात की आपने। अब बेटा देखो बिल्कुल सिंपल बात करेंगे, अब हम है ना राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लेते हैं, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करें कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अगर मैं इस यहाँ पे बात करूँ पी आर अपॉन ओ आर, पी आर, व्हाट इज पी आर, दिस इज पी आर और दिस इज ओ आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, ओ पी अपॉन ओ आर बेटा, ओ पी ये रहा आपका ओ पी, ठीक है। तो ओ पी अपॉन ओ आर, ठीक है, तो ओ पी अपॉन ओ आर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ओ पी अपॉन ओ आर, दैट इज कोस थीटा, दैट इज कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, ठीक है। तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ओ आर कोस थीटा, ठीक है, ओ आर कोस थीटा। तो यहाँ से देखा जाए सिंपल, ओ पी क्या बेटा, व्हाट इज ओ पी, ओ पी बेटा आपका है ए एक्स, कितना है ए एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज ओ आर, ओ आर बेटा आपका सिंपल है ए, अरे ओ आर क्या है, लेंथ है, दैट इज़ ए। अगर वैक्टर की बात करेंगे तो वैक्टर लगाएंगे, सिंपल ओ आर है तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए कोस थिट्टा, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से ए कोस थिट्टा आ गई भाई, ए एक्स की वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली इसी ट्रायंगल से अगर आप ए वाई निकालते हो, इसी ट्रायंगल से अगर हम, मैं निकाल के दिखा देता हूँ बेटा, अगर इसी ट्रायंगल से मैं सिंपल बात करता हूँ, पी आर अपॉन, पी आर अपॉन ओ आर, तो आ जाएगा साइन, तो पी आर अपॉन ओ आर दैट इज इक्वल टू साइन थिट्टा। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ओ आर साइन थीटा, व्हाट इज ओ आर, ओ आर कितना, वंस अगेन ए है बेटा, तो पी आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और व्हाट इज पी आर, पी आर क्या बेटा, पी आर क्या बेटा, ए वाई, क्या है ए वाई, तो ए वाई की वैल्यू आ जाएगी ए साइन थीटा, तो ए वाई की वैल्यू आ गई बेटा ए साइन थीटा, और ए एक्स की वैल्यू आ गई ए कोस थीटा। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए सिंपल आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था बेटा आपका, ए वेक्टर था, तो इसको ए, ये इक्वेशन थी ना आपकी ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, इसी इक्वेशन की बात करें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, ए कोस थीटा, कितना है ए कोस थीटा आई वैल्यू, ए वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, ए साइन थीटा जे कैप, ये वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी बेटा, इक्वेशन बन गई आपकी सिंपल सी। अच्छा मुझे अगर ये तो वेक्टर आ गया, अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, क्या आ जाता हूँ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, अनरूट ऑफ द कोफिशेंट स्केयर, अनरूट ऑफ द कोफिशेंट स्केयर हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल अनरूट ऑफ द कोफिशेंट स्केयर, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, ए वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आई का यहाँ पे ए एक्स मैग्नीट्यूड है, जे का ए वाई है, तो अनरूट ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर हो जाएगा बेटा, ठीक है। दिस इज योर मैग्नीट्यूड, कीप इन माइंड। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालता हूँ, टेंजेंट थीटा अगर निकालना है, देखो टेंजेंट थीटा निकालो इस ट्रायंगल से, टेंजेंट क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कौन है ए वाई और बेस कौन है बेटा ए एक्स, तो ये आ जाएगा ए वाई
अपॉन ए एक्स, तो ये आ जाएगा आपका टेंजेंट भाई। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने निकाल दिया बेटा, आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक डाउट स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक वैक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को मैं डिवाइड किया, उसे बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ए वेक्टर का ये ए एक्स और ए वाई क्या था भाई, एक्स और वाई एक्सिस के लोंग क्या था बेटा, कंपोनेंट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।